गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये डेटा आ गया है और डेटा को चलो रीड करने की कोशिश करते हैं, देन कल की एक्सपायरी का हिसाब किताब लगाते हैं। भैया डिकोड करने की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है एज़ पर डेटा, क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस बने हैं। तो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, जल्दी समराइज़ करता हूँ। क्लाइंट ने हल्का स्टॉक फ्यूचर है, नेग्लिजिबल, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। इंडेक्स फ्यूचर अच्छी खासी क्वान्टिटी में दोबारा बढ़ा लिए हैं, कॉल राइट करी हैं, तो देखते हैं नेट बेसिस पे कितना क्या होगा। और भैया पुट बहुत बाइक, अरे बाप रे बाप, 71,000, इतनी मंदी लग रही है इनको। पुट का डेटा देखने वाला होगा गाइस, ठीक है। एफआई ने स्टॉक फ्यूचर और ऐड किए हैं, पता नहीं कौन सा ये ऐड कर रहे हैं। देन एफआई ने इंडेक्स पुट निकाली है अपनी, ओके इंडेक्स पुट अपनी एफआई ने जो निकाली है। देन प्रोज ने स्टॉक फ्यूचर हल्के फुल्के निकाले हैं, इंडेक्स फ्यूचर राइट किए हैं, और प्रोज ने कॉल बाय की है एंड पुट राइट की है। मतलब इनको मार्केट तेज़ लग रहा है, तो वहीं पे उसी प्रकार से इन्होंने अपना कॉल एंड पुट को प्रोज ने कल के लिए खेला है। डीआईज का पुट हल्की फुल्की बाइंग है, और कोई डेटा इनका इतना कुछ ध्यान देने वाला नहीं है। तो आ जाइए ज़रा इसमें हम लोग अपना नेट पोजिशन पर ध्यान देते हैं। नेट पोजिशन आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़ गई है अभी इंडेक्स फ्यूचर की, 46,000 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लगभग इन्होंने काफ़ी ऐड कर लिया है पिछले 4-5 दिन में, और सरप्राइजिंगली इन्होंने कॉल निकाल दी आज 30। ये शायद इन्होंने सुबह सुबह कर दिया होगा, जब रात को SGX देखा होगा ना सुबह खुलते कि भैया ठीक ठाक रेट पर निकल रहा है, यहाँ पर निकलते हैं, तो 76 से 36 आ गया, तो ये काफ़ी कम हो गया है। और अपना क्या कहते हैं, 93 से 92 आ गया है क्लाइंट FIs, तो FIs की कोई चेंजेस नहीं है। -170 राइटिंग थी, -129 राइट हो गया। ये हो गया है कि भैया आपका 14,600 ब्रीच हुआ है आज, ठीक है। ये वहाँ से डर के मारे इन्होंने 14,600 से भी अपनी कॉल राइटिंग हटाई होगी, और 14,700 से भी कॉल राइटिंग अपनी पक्का हटाई होगी प्रोज ने, ठीक है। तो इनको तो लपेटे में लिया है आज FIs ने। देन अपना पुट राइटिंग बहुत घटा दी है, ठीक है। तो वो पुट जो यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा है, ये पुट की बाइंग का, ये बाइंग नहीं है, ये एक्चुअली न्यूट्रलाइज़ किया है अपना इन्होंने, जो यहाँ पे ऑलरेडी राइट किया हुआ था ये। तो क्लाइंट के दिमाग में थोड़ी बहुत मंदी थी, भैया गिरेगा तो लपेटे जाएंगे, -156 बहुत है, तो अब ये -84 रह गया। तो भैया अभी जो मोटा मोटा खाना पड़ा है ना, वो ये पड़ा है -129 1,29,000 कॉन्ट्रैक्ट जो कॉल राइटिंग में पड़े हैं प्रोज के। ये है अभी बहुत बड़ा चारा FIs के लिए, और कॉल इन्होंने पुट इन्होंने राइट कर रखी है -70, तो पुट राइटिंग बहुत बढ़ा दी है, तो ठीक है भैया। तो प्रोज की जो पोजीशन है उसके हिसाब से इन्होंने, इनको मार्केट तेज़ लग रहा है, ठीक है। और वहीं पर FI ने भी अपने 148 से 20,000 कॉन्ट्रैक्ट अपने घटाए हैं। तो भैया डेटा अभी तक का जो देखा जाए, और ये जो स्टॉक फ्यूचर यहाँ पे लगातार ऐड कर रहे हैं, तो और आज का जो डेटा है उसके हिसाब से, तो भैया मार्केट में 200-250 पॉइंट की तेज़ी बनती है आज के डेटा के हिसाब से। अब कल बने परसों बने यही डेटा परसिस्ट करता है, तो 200-250 पॉइंट तेज होना चाहिए मार्केट। कल क्या एक्सपायरी के बाद डेटा आएगा उसको रिव्यू करना पड़ेगा एक बार। तो कल इस डेटा के हिसाब से, प्रोज की पोजीशन के हिसाब से, FI की पोजीशन के हिसाब से, मार्केट एक बार तेज होना चाहिए, 14,750 से 800 आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको खेलना कैसे है गाइस, ठीक है, इसको खेलना कैसे है। आप दो चीज़ जो मैं अब बोलने वाला हूँ, अब सबसे ध्यान से सुनिए, दिमाग में रखिए, -129,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके किस में है, राइटिंग में है कॉल के, राइटिंग में है कॉल के, और इसमें बाइंग है FI की 92,000 कॉन्ट्रैक्ट की, और रेस्ट बाकी तीनों पार्टी ने मिलके बाय किया हुआ है। वहीं पुट में राइटिंग में -84,000 कॉन्ट्रैक्ट है और -70,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये दोनों मिला के भी 150,000 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा नीचे नहीं आएगा, डेटा के हिसाब से भाई मार्केट कहीं भी जाए, FI की दोनों तरफ की बाइंग की पोजिशन है, सी की भी PE की भी। नाउ अब क्लियर कैसे होगा, ठीक है, क्लियर कैसे होगा, देखो दोस्तों
अगर 14,700 के ऊपर मार्केट होल्ड करता है, ठीक है, मैंने क्या बोला, 14,700 के ऊपर मार्केट होल्ड करता है तो सेफ़ बाइंग है आपकी, 70-80 पॉइंट की बिल्कुल सेफ़ बाइंग है, ठीक है। और वैसे तो बाइंग आपकी 14,675-80 के ऊपर ही हो जानी चाहिए, ठीक है, और डेटा थोड़ा सपोर्ट कर रहा है तो आपको वहीं से बाइंग एक बार शुरू कर देनी चाहिए। 720-723 के ऊपर एक और लॉट बाई कर लेना, ठीक है, एक और लॉट बाई कर लेना 720-723 के ऊपर निकलता है तो, ठीक है। बाकी गैप अप होता है जैसे दिखा रहा है तो उसके लिए भैया चाय पे चर्चा का आप इंतज़ार कीजिए, ठीक है। और आज जैसे मैंने एक बड़ी रेंज दे दी थी निफ्टी की कि भैया बीच में हाथ मत लगाओ, आप लोगों ने देखा होगा कैसे नाच रहा था, 20-30 पॉइंट एक बार इधर, 20-30 पॉइंट एक बार, कुछ नहीं मिलता, ऐसे लेट होते। तो जब इतना वॉलेटाइल हो मार्केट तो सीधा उसको बड़ी रेंज पे ले जाके प्ले करना चाहिए। तो ऐसी कुछ अपडेट होगी तो उसके लिए प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और कल मैं जैसे आज बजाज फाइनेंस दिया था, ऐसे एक दो स्टॉक देने की और कोशिश करूँगा। फार्मा मैंने आपको आज दे दिया था, फार्मा को पकड़िए, ठीक है। और चार्ट में अभी, हाँ, ये मैंने कॉल का आपको बता दिया कि भाई कॉल अगर राइटिंग FI खाने के लिए जा रहे हैं तो आपको कैसे लेवल पे चेक करना है। नाउ पुट राइटिंग अगर खाने के लिए जा रहे हैं तो उसकी सबसे पहले इंडिकेशन आएगी जब 14,550 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगा। 14,550 के नीचे जब मार्केट सस्टेन करेगा तो इसका मतलब भैया जो पुट राइटिंग है किसकी, तब तो उसमें क्लाइंट भी शामिल है और अपना प्रोज भी शामिल है, ये दोनों लुटे जाएंगे फिर अगर मार्केट कल गिरता है तो। और 14,500 इसके नीचे भी सस्टेन करे तो एक और लॉट अपना पुट का बढ़ा लेना, इस हिसाब से आपको कल खेलना है। बाकी देखते हैं गाइज, मुझे इतनी बड़ी मूवमेंट मार्केट में कल नहीं लग रही है, जहां वो खुलेगा उसके आसपास ही शायद घूमता रह जाएगा, जो कुछ होगा वो सेकंड हाफ में होना चाहिए, हल्का फुल्का 200-300 पॉइंट का जो मूव बैंक निफ्टी में आएगा तो वो कल देखते हैं। बाकी फार्मा तेज़ लग रहा है, आज भी काफ़ी सारे स्टॉक 6-6, 5-5% चढ़े हैं तो कल भी तेज़ रहने चाहिए, उसमें ध्यान रखिए, इंडेक्स अवॉइड करिए, इंडेक्स आज कल भी मेरे को ऐसे ही कुछ दिख रहा है। रेस्ट मैंने आपके लिए एनालिसिस कर दिया है, इसको माइंड में रखिए, -154,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट के राइटिंग में है प्रोज और क्लाइंट के मिला के, और 129,000 कॉल के राइटिंग में है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोज के हैं। जैसे जैसे लेवल कटते जाएंगे कॉल अनवाइंडिंग होती जाएगी। 33,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए, अगर उसके ऊपर होल्ड कर जाता है वहाँ से 150-200 पॉइंट की आपको तेज़ी मिलेगी बैंक निफ्टी में स्पेशली, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ गाइस पोस्ट, वीडियो में इतना ही है, थैंक यू।